दोस्तों आज का शोडाउन दो ड्रैगन के बीच है। एक तरफ होगा डी वारमुई का दो ड्रैगन, वहीं दूसरी तरफ होगा सबसे शक्तिशाली गीदोरा वेट गीदोरा। आखिर इन दोनों में कौन है सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किस देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं ड्री वार के ड्रैगन्स के बारे में। ये दोनों ड्रैगन दिखा था कोरियन के एक फिल्म ड्री वार मूवी में, जो जैन सर्पियन थे बिल्कुल ड्रैगन की तरह। इस मूवी में हमें दो जैन सर्पियन दिखाए गए जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के लिए फाइट करते हैं। पहला बुराकी जो डार्क इमोगी यानी कि डार्क सर्पियन था, जो पूरी मूवी में यजू यानी कि पावर पाने के लिए लड़की का पीछा करते रहता है ताकि वह सेलेस्टियल ड्रैगन बन सके। दूसरा गुड इमोजी जो मूवी में लास्ट में दिखाई देता है, जो लड़की को बचाता है और सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है। अगर इन दोनों की ओरिजिन की बात किया जाए तो दोनों हेवन के सर्पेंट थे, जिसमें से एक को सेलेस्टियल ड्रैगन की पावर मिलनी थी। बुराकी करप्ट हो चुका था, जो अर्थ और हेवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सेलेस्टियल ड्रैगन बनने की पावर अर्थ के एक लड़की के पास थी। बुराकी इस पावर को पाने के लिए हेल के आर्मी के साथ अटैक करता है, पर वह पावर को पाने के लिए असफल हो जाता है। लेकिन उस लड़की का जन्म फिर 500 साल बाद होता है। वह पावर को फिर पाने के लिए अपनी हेल आर्मी के साथ अटैक करता है, लेकिन अंत में पावर गुड इमोजी को मिलता है, जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनता है। अगर बुराकी के पावर और एबिलिटीज की बात करते हैं तो उसके पास है पावरफुल जबड़े, जिससे वह अपने दुश्मन को काट सकता है। इसे अर्थ है किसी भी हथियार से नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे वह परमाणु बम क्यों न हो। और कोलोसल स्ट्रेंथ ग्रेट वेलोसिटी, जो लगभग साउंड की स्पीड से चल सकता है। और उसके पास डार्क पावर है, जिससे वह लड़की को सेंस कर लेता है चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसके अलावा बुराकी के पास खुद का हेल आर्मी है, जिसकी संख्या हजारों में है, जिसे एट्रोक्स आर्मी कहते हैं। जिसके आर्मी में बहुत सारे अजीब क्रिएचर थे और ब्लैक आर्मी थे, जो युद्ध की कला में माहिर थे। थेरोपोड डायनासोर, जिसके ऊपर आर्मी बैठे थे। बुलकास, एक तरह का उड़ने वाले ड्रैगन जो आर्मी के हेलीकॉप्टर पर हमला करते थे, जो अपने मुंह से आग छोड़ सकते थे। डाउलर, हॉग जैसे दिखने वाले क्रिएचर जिनके पीठ पर तोप लगे थे। अपनी इन आर्मी के साथ बुराकी आसानी से एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बड़े से बड़े विलेन को हरा सकता है। अगर बात करते हैं गुड इमोजी की, जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनता है, तो वह बुराकी जितना बड़ा और पावरफुल था, लेकिन येजू मिलने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके पास उड़ने की एबिलिटी आ जाती है और वह अपने मुंह से फायर बाल छोड़ सकता था, जो इतने पावरफुल थे कि एक ही बार में बुराकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के बाद उसके पास हेवन की शक्ति आ जाती है, जो एक तरह का गॉड बन जाता है। अगर बात करते हैं वेट गीदोरा की, तो वेट गीदोरा दिखा था गॉड जिला के एनिमेटेड सीरीज में, जिसके तीसरे पार्ट गॉड जिला द प्लैनेट ईटर में दिखाया गया। तो वेट गीदोरा एक हायर डायमेंशन बींग है, जो अपने शक्ति के सहारे दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करता है और वहां की दुनिया को नष्ट कर देता है। अगर बात करते हैं वेट गीदोरा की ओरिजिन की, तो मूवी में वेट गीदोरा के प्लैनेट या डायमेंशन को दिखाया नहीं गया है, न ही उसकी ओरिजिन बताया गया है। उसे एक हायर डायमेंशन बींग या एलियन बताया गया है, जो पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया पर हमला करता है। अगर बात करते हैं वेट गीदोरा के पावर्स और एबिलिटीज की, तो उसके पास है सुपर ग्रेविटी। यह गीदोरा की वह शक्ति है जिससे वह प्लैनेट को भी खत्म कर सकता है, और इसी शक्ति से उसने स्टारशिप को भी नष्ट किया था, हालांकि इसे पूरी तरह दिखाया नहीं गया है। वेट गीदोरा का शरीर एनर्जी का बना होता है, जिससे वह दूसरी डायमेंशन या दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। वह तीन पोर्टल के जरिए दूसरे डायमेंशन में जाता है और उसका सिर जितना चाहे उतना बड़ा हो जाता है। जब वेट गीदोरा को पहली बार समन करके बुलाया जाता है, तो उसकी छाया दूसरों को काटती है, जिससे उनका मृत्यु तुरंत हो जाता है। यह वेट गीदोरा के ब्लैक एनर्जी को दर्शाता है। वेट गीदोरा के पास इंटेंजिबिलिटी है। यह वेट गीदोरा का एक्स्ट्रा डायमेंशन नेचर है, जिस फॉर्म में वह दूसरे डायमेंशन में जाता है, जिससे दूसरे डायमेंशन के एनर्जी या फिजिक्स उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। इस फॉर्म में वह गौर जिला अर्थ पर हमला करता है, जिसके कारण गौर जिला अर्थ उसको छू नहीं पाता है और न ही एटॉमिक ब्रेस से वेट गीदोरा कुछ होता है।
ओइड ग्रह के पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन की शक्ति है जिसके जरिए वह पोर्टल बना सकता है और यह एबिलिटी होने का वह गौरजिला अर्थ को नुकसान पहुंचा पाया, जबकि गौरजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड था। गौरजिला के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वह दूसरे मॉन्स्टर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसे ग्रेविटी एनर्जी बाइट कहते हैं, और इसी एबिलिटी की मदद से वह गौरजिला अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ए फाइट 2-1 होने वाली है। दीवार का ड्रैगन हेवन का ड्रैगन है, तो वहीं ओइड गुदा एक डार्क डायमेंशन का है जिसके पास डार्क एनर्जी है। तो पहले कंपेयर करते हैं बुराकी को ओइड गुदा से। बुराकी के पास ऐसा कोई सा भी अनोखा एबिलिटी नहीं है जिससे वह ओइड गुदा पर हमला करे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है जिसे अर्थ किसी भी प्रकार के वेपन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बुराकी के पास उसका स्ट्रेंथ और साइज है जिससे वह लड़ता है, लेकिन ओइड गुदा के सामने उसका स्ट्रेंथ और साइज फीका है जिसे वह आसानी से हरा सकता है। बुराकी 650 फीट बड़ा है, वहीं ओइड गुदा 20 किलोमीटर से भी बड़ा है। तब वह बुराकी को सीधे निगल सकता है जिसके सामने वह बना है। दूसरा कि ओइड गुदा उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने स्ट्रेंथ से भी मसल सकता है, तो ओइड गुदा के लिए उसे हराना आसान है। अगर बुराकी अपने हेल आर्मी के साथ हमला करता है भी वह ओइड गुदा को नहीं हरा सकता, क्योंकि ओइड गुदा का बॉडी एक अजीब तरह का एनर्जी का बना होता है जिससे कि उस आर्मी के हथियार उसे छू नहीं पाएंगे। फिर ओइड गुदा अपने साइज से उसके आर्मी को मसल सकता है। सेलेस्टियल ड्रैगन वर्सेस ओइड गुदा। सेलेस्टियल ड्रैगन के पास हेवन की शक्ति है जो उसे योजु मिलने के बाद उसके पास उड़ने की शक्ति आ गया और वह अपने मुँह से फायर बाल छोड़ सकता था। तब सेलेस्टियल ड्रैगन अपने इस फायर बाल से हमला करेगा, लेकिन ये फायर बाल उसके बॉडी को छू नहीं पाएंगे जैसा कि मैंने बताया है। हो सकता है कि यह सेलेस्टियल ड्रैगन है तो उसके फायर बाल ओइड गुदा के शरीर को छू ले है, क्योंकि वह हेवन का ड्रैगन बन गया है। तब भी उसके लिए ओइड गुदा को मारना मुश्किल है, क्योंकि गौरजिला अर्थ द्वारा हमला करने के बाद भी वह नहीं मरा था, जो लगभग इमोर्टल है। अगर फायर बाल से उसका एक सिर पर हमला करेगा तो वह डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तब तक ओइड गुदा अपने दो सिर से हमला कर उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओइड गुदा के पास डार्क एनर्जी है, वह अपने हेड को रीजनरेट कर लेगा, फिर वह सेलेस्टियल ड्रैगन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर अपने स्ट्रेंथ से मसल सकता है, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन लगभग 650 फीट बड़ा है जो ओइड गुदा के सामने बहुत ही छोटा है, जिसे वह आसानी से हरा सकता है। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन और बुराकी एक साथ लड़ते हैं तब भी वह दोनों को हरा सकता है, क्योंकि ओइड गुदा के पास 3 सर है और वह बहुत ही बड़ा है जिससे वह दोनों ड्रैगन को एक ही साथ हरा देगा। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप ड्रैगन वर्से ड्रैगन की फाइट देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।